बॉलीवुड और क्रिकेट का बहुत पुराना नाता है। यहाँ पर हमने रिलेशनशिप्स तो देखे ही है, साथ में क्रिकेटर्स की लाइफ पर बायोपिक्स भी बनाई जाती है। ऐसी ही एक पॉपुलर बायोपिक रह चुकी है एमएस धोनी की, और इसके अलावा जल्दी हमें नजर आएंगी कपिल देव की बायोपिक जिसका नाम है 83। रणवीर सिंह इस फिल्म में कपिल का रोल प्ले करेंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें कि एक और क्रिकेटर है जिन्होंने अपने बायोपिक के लिए हामी भर दी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद ये बात कंफर्म की है। हम बात कर रहे हैं बीसीसीआई चीफ एंड इंडियन फॉर्मर कैप्टन सौरव गांगुली की। जी हाँ, न्यूज 18 को हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ पर बनने वाली फिल्म के बारे में बात की और ये कॉन्फर्मेशन दी है कि उनकी बायोपिक जल्दी बनने वाली है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनके रोल के लिए उन्हें क्या लगता है कि कौन से एक्टर परफेक्ट रहेंगे। तो उनका मानना है कि रणबीर कपूर उनका रोल काफ़ी अच्छे से प्ले कर सकते हैं। न्यूज 18 बांग्ला को दिए इंटरव्यू में सौरव गांगुली ने इस खबर को कन्फर्म किया। उन्होंने कहा, हाँ मैं बायोपिक के लिए सहमत हो गया हूँ, ये हिंदी सिनेमा में बनेगी, लेकिन अभी डायरेक्टर्स का नाम मैं बाहर नहीं ला सकता हूँ। सब कुछ फाइनल होने के बाद सबको सब कुछ पता चल जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि रणबीर के अलावा दो और एक्टर्स हैं जो मेन लीड का रोल प्ले कर सकते हैं। इससे पहले अपनी बायोपिक के बारे में बात करते हुए नेहा धूपिया ने सुझाव दिया था कि एक्टर ऋतिक रोशन पर्दे पर सौरव गांगुली की भूमिका निभाने के लिए सबसे ज्यादा अच्छे ऑप्शन होंगे। तो जिस तरह से रणबीर कपूर का नाम बार बार सामने आ रहा है, उस हिसाब से तो यही लगता है कि जो सबसे फर्स्ट कंटेंडर है फॉर सौरव गांगुलीज रोल, वो रणबीर कपूर ही है। रणबीर इससे पहले एक बायोपिक ऑलरेडी कर चुके हैं जो संजय दत्त की बायोपिक थी जिसका नाम संजू था। रणबीर कपूर को इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया था।